हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे आलू गोभी की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा फूल गोभी लिया है। उसे हम अपने हिसाब से, जैसा भी छोटा बड़ा हो आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब रखेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। साथ ही उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे गोभी जो हमने काट कर रखी हुई थी। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो करके रख लिया था। तो वो कढ़ाई में हम डाल देंगे और इसे हम चला लेंगे। अब आँच को हमने फुल ही रखा हुआ है क्योंकि हमें वहीं पर ही खड़े होकर के ही मैंने बनाया है, तो इसलिए आँच को हमने लो नहीं किया था। मैंने फुल आँच पर ही मैंने इसे बनाया है। तो ये इसे हम अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। अब एक गोभी भून रहा है तब तक हम काट लेंगे आलू। तो मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं और इन्हें हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे भी साइज में आप इसे कट कर लीजिएगा। तो मैंने अपने हिसाब से इसे थोड़े बड़े क्यूब में काट लिया है। चलिए अब देख लेते हैं, गोभी को देख लेते हैं। तो गोभी तो भुन गई है तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। चलिए गोभी तो हमने निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच से तेल। अब उसमें डाल देंगे हम आलू। आलू को हम अच्छी तरह से उसमें हम भून लेंगे। आलू को कट करके फिर से मैंने एक बार धो लिया था, तो आप भी धो लीजिएगा। क्योंकि आजकल मार्केट में जो आलू आ रहे हैं उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है, तो इसलिए उसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो पूरी सब्ज़ी का टेस्ट ही बिल्कुल बालू बालू सा लगेगा। तो इसलिए इसे धो लीजिएगा ज़रूर से काटने के बाद भी। तो धोकर हमने उसे काट लिया है। अब जब तक आलू भून रहा है तब तक हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ का प्याज और उसे भी हम कट कर लेंगे। उसमें डालेंगे हम हरा पत्ती वाला लहसुन और 2 हरी मिर्च लिया है हमने, उसे भी हमने टुकड़ों में तोड़ करके डाल दिया है। तो 2 या 3 आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच जीरा। अब इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये आलू में हमने नमक डाल दिया है, तो नमक उतना ही डालिएगा जितना कि मतलब सब्जी हो। तो मैंने आलू के हिसाब से उसमें नमक डाला है। अब उसे हम भून लेंगे। पहले ढक कर के पकाएंगे ताकि ये आलू जल्दी से पक जाए। आलू को लो मीडियम फ्लेम पर भी पका सकते हैं या लगातार रुक रुक करके चला करके भी इसे पका सकते हैं। तो ये देखिए आलू जो है वो हमने पका लिया है, आलू पक गई है। तो इसे हम अलग, जिसमें हमने गोभी निकाला था उसी में हम इसे भी निकाल के रख लेंगे और उसी कढ़ाई में हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मटर। तो ये बाज़ार में जो मटर आ रहे हैं उसी वही मटर है, फ्रोजन मटर नहीं है, तो वही मैंने लिया है। इसमें तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 चम्मच तेल और डाला है। तो ये शायद मैं इसे दिखा नहीं पाई हूँ, तो आप भी अगर कम लगे तो आप इसमें तेल और डाल सकते हैं। तो ये मटर के साथ भुन जाते हैं। जब ये मटर थोड़ा भुन जाए, भुनने लगे, तो उसमें डाल देंगे हम मसाले जो हमने पीस के रखे थे वो, और धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक और गर्म मसाला। अब उसे भी मिक्स करके उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसे भुनने में आसानी हो। और उसमें डाल देंगे 1 टमाटर। तो 1 बड़ा सा टमाटर था जिसे मैंने काट करके और इसका पेस्ट बना करके रख लिया था, वही टमाटर हमने इसमें डाला है। और इन सबको हम पकाएंगे, ढक करके पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्ची जो है वो तीखी वाली नहीं थी तो मैंने इसमें लाल मिर्च और डाल दिया है। अब इसे ढक कर के पकाएंगे तब तक जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। ये मसाला अच्छी तरह से भून करके तैयार हो गया है। तो जो सब्जी जो हमने भून करके रखी हुई थी वो सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हमने कुल 1.5 गिलास पानी इसमें डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
और पानी जो हमने डाला है वो उसमें हमने ठंडा पानी नहीं डाला है, इसमें हमने गर्म पानी डाला है, तो इसलिए आप भी हो सके तो गर्म पानी ही डालिए और इसे मिक्स कर देंगे, चला देंगे और उसे ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो ये पक गई है, तो ये ऊपर में जब पक जाता है तो इसके ये सब्जी जो है उसमें ऊपर से तेल जो है वो ऊपर की ओर ऊपर में आ जाता है, इसका मतलब सब्जी तैयार हो गई है। अब उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती। तो सब्ज़ी मेरी तो बन करके तैयार हो गई है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।